खाकी कबूतर मुर्दाबाद 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 खाकी कबूतर मुर्दाबाद 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 खाकी कबूतर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हनुमानगढ़ जिले के मां होन लाग रही है चोरी डकैती और फिर कटे कटे होवे बेअदबी, पर जद पुलिस का मामला पहुंचे तो पुलिस अधिकारी आए कहे कि टीमा बना दी है, चोरी रो मामलो होवे चाहे ठगी रो मामलो होवे चाहे लड़ाई दंगल मामलो होवे चाहे कटे अनुसूचित जाति आला पर कोई ईसा शोषण रो मामलो होवे इन तरह री बातें और फिर बेअदबी री बातें आ सारी बातें होने लग रही है। और एसपी साहिब ने जद कोई जार मिले तो आई कहे कि टीमा बना दी है, टीमा तो बना दी पर टीमा अब के करो है ए किसी ने ठा कोनी ना कोई पतो चालन लाग रहे है। और जनता रे मां हनुमानगढ़ जिले री पुलिस रे प्रति आक्रोश बढ़तो जान लाग रहे है। ई कड़ी माई सदर थाना रे आगे धरनो चलन लाग रहे है, दौड़ी पाल गांव रो मामलो है और दौड़ी पर गांव के मां जिका अनुसूचित जाति रे लोगा गरीब जनता ने तंग कर रखे परेशान कर रखे है। वह दौड़ी पाल रहा वह प्रभावशाली व्यक्ति है, वहां पर कार्रवाई को नहीं होने लाग रही ई वास्ते धरनो चलन लाग रहे है। और धरने रा और तेज करने खातर और ध्यान आकर्षित करने खातर आज एसपी को सदर थाना रे आगे नारेबाजी कर पुतलो भी फूंको है, पुतलो फूंक कर अपना विरोध जतायो है और के कहो है ए थाने सुनावांगा। रघुवीर वर्मा ई मौके पर के कह लाग रहे है सुनियो। भारत की जनवादी नौजवान सभा द्वारा 3 जून को जो डोरीपाल गांव में दलित परिवारों के घरों पर जो फायरिंग हुई और उनके साथ मारपीट हुई, उनके घरों पर पत्थर फेंके गए और उसमें आज तक एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको लेकर ग्रामीणों ने और जनवादी नौजवान सभा ने यहां धरना शुरू किया। कल से आज दूसरा दिन है और आज भी कोई गिरफ्तार नहीं होने के कारण एसपी हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ का पुतला जलाया है और ये मांग की है कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार करें। केवल बयानबाजी नहीं, हनुमानगढ़ एसपी लगातार जो बयान दे रहे हैं कि हमने टीमें बना दी गई हैं, चाहे वो बलौल नगर सैजीपुरा करनीसर में गुरुघर में चोरी हुई हो, चाहे गोलूवाला में सुखमणी कुटके का जो बेअदबी हुई है, चाहे वो बलौचाली में चोरियाँ हुई है, मोटरसाइकिल की चोरियाँ जो लगातार हनुमानगढ़ क्षेत्र में बढ़ रही है और डोलीपाल की फायरिंग का मामला हो, ये तमाम मामलों में पुलिस का रटा रटा है। एक ही बात होती है कि हमने टीमें बना दी गई है, तो ये टीमों से कुछ नहीं होने वाला है, कार्रवाई करें। इसलिए ये तय भी किया है कि सोमवार को एसपी कार्यालय हनुमानगढ़ का घेराव किया जाएगा। तो दोस्तों डोलीपाल में 3 जून की हुई यह घटना, दलित परिवार पर हमलो हो पर अजय ताई गिरफ्तारी कोनी हुई ई वास्ते डोलीपाल रे मामने लेर सदर पुलिस थाना रे आगे धरनो आज भी जारी रहे है और बठे आ कहो गयो है कि सोमवार ने मैं एसपी ऑफिस हनुमानगढ़ रो घेराव करांगा। और वहाँ अभी रूप लगायो कि पुलिस री टीमा बनार की कोनी निकले, अपराधियों पर कार्रवाई करो, वाने गिरफ्तार करो और जी की अपराधियों के सागे साठ गाठ नशे के तस्करों के सागे पुलिस ने कर रखी है, बी कड़ी ने तोड़ो, नहीं तो हनुमानगढ़ में इका जिका मामला होने लाग रहा है। इन्हें लेर नौजवान सभा होवे चाहे CPIM पार्टी होवे ए सारी मिल मजदूर और बैठे सी कामरेड सारा मिलर एसपी ऑफिस ने वह घेरेगा और फिर कोई ऊंच नीच होगी तो वह कहो मारी कोई जिम्मेवारी कोनी। इस वास्ते वह एसपी ने ये चेतावनी दी है कि थे जल्दी यूँ गिरफ्तारी करो और जिका जिका हनुमानगढ़ जिले के मां चोरियां होने लाग रही है, गोलू वाले उदाहरण दियो करनीसर सैजीपुरा ई इलाके रा सैकड़ों और लोग इकट्ठा हो एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन भी कर चुके हैं पर वह आरोप लगायो कि कोई पुलिस कार्रवाई को नहीं करे, इन बिन्ने बाजी फिरे बस आई दिखावा है कि मैं कार्रवाई करने लग रहा पर एक्चुअल में कार्रवाई होने को लग रही। इन वास्ते वह सोमवार ने एसपी ऑफिस ने घेरन रो प्रोग्राम बढ़ा दी जो है। अब देखने वाली बात आई हो वेरी कि एसपी ऑफिस ने घेराव करेगा, फिर आमने सामने होवेरा कामरेड और जनवादी सभा, फिर पुलिस वाला के करे ए भी देखा और जनवादी सभा वाला के करे ए भी देखने वाली बात होगी। तो बना रही हो हमारे साथ गए गुरुदेव सिंह सैनी रो, राम राम।